आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टारगेट इज मच हायर, प्राइस हाइक हो रहे हैं पैसेंजर कार में, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर की तरह से काम कर रहा है, और साथ ही साथ में लोअर बेस के टेक्निकल लेवल से बहुत अच्छा जंप किया है। बहुत बढ़िया सेटअप है, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा सही बाय रहेगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तीन खबर लेके आए हैं। सबसे पहले अगर बात करें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका टारगेट बताया है ₹375 का आगे आने वाले समय में। जो रीजन उसका बताया गया है यहाँ पर बात करने के लिए, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोएक्टिवनेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो इनका SOTP बेस है 11x का है, और 3.3 एबिटा है इसका, जो कि एक रीजनेबल लेवल है। यहाँ से आगे चलकर और भी तेजी से ऊपर जाएगा स्टॉक। दूसरी खबर की बात करें तो यहाँ पर जो टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट हैं पैसेंजर व्हीकल के, शैलेश चंद्र जी ने, उन्होंने कहा है प्राइस हाइक कर रहे हैं 8 से 8.5% तक, जिसके चलते हुए क्योंकि इनपुट कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, और ये अब यहाँ से इस कॉस्ट को इंक्रीज को कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन माना जाएगा। स्टॉक के रेफरेंस में रेवेन्यू एडिशनल आएगा तो सबको अच्छा लगता है। राकेश जुनियावाला इसके बहुत अच्छी बेट की हुई है, और यहाँ पर टाटा मोटर का आपको एक ही सलाह देंगे, एक भी शेयर मत बेचिएगा, कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक। बिग टेक्निकल बाउंस बैक हुआ है आज। आइए जरा चलकर भाव को देखते हैं। सबसे पहले आज का भाव देखिए, कल बंद होते हुए 285 पर बंद हुआ था, आज 293 पर जाकर बंद हुआ है, जो कि दिन भर एक पॉजिटिव टेरिटरी में काम किया है। इसने गिरावट शुरू की थी यहां से 358 के लेवल से, और गिरकर ऑलमोस्ट 284 के लेवल पर पहुंच गया था। और ये कोई बाउंस करना जो है कोई एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं था। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ पर 285 से लेकर 280 के बीच में ये बहुत बढ़िया डिमांड जोन है। आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इस लेवल पर, अगर आपको कभी मिलता है। कुछ करंट प्राइस पर भी खरीद लीजिए और कुछ रिजर्व आप अपना यहाँ पर रखिए। बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है इस लेवल से यहाँ पर। अब अगर हम आगे बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक में और क्या हो सकता है टेक्निकल पैरामीटर के बेसिस पर, मैकडी ने इसको सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ था पिछले 2 महीने से, आज यहाँ पर मोमेंटम कम हो गया है सेल का, तो ये यहाँ से पहला साइन होता है रिवाइवल का। और अगर आप बुलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं तो बैंड के देखेंगे, बैंड के ऑलमोस्ट नीचे के हिस्से में, और बैंड विड्थ 21% हो गई थी, इसको ऊपर जाके 310 के आसपास अब हमारे हिसाब से सबसे पहला टारगेट, और फिर उसके बाद में 340 का टारगेट रहेगा इस पर बुलिंजर बैंड। एलिगेंट इंडिकेटर ने भी अभी सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है, बट यहाँ पर जैसे ही 306 का लेवल क्रॉस करेगा तो उम्मीद है कि 324 का टारगेट पहुंचने की कोशिश करेगा। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर 310 का स्टॉप लॉस लगाकर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो ये अब हो सकता है उसको कवर करे और स्टॉप लॉस हिट करेगा उसका 310 के आसपास। यहाँ पर RSI का लेवल लोअर लेवल से बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है, देखिए 22 के आसपास था RSI का लेवल, जो कि एक ओवरसोल्ड जोन में माना जाता है, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर इनफैक्ट अपना प्रॉफिट बुक करना है या कवर करना है। और ये सपोर्ट के पास भी आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ से अच्छा बाउंस बैक किया है। वोटेक्स इंडिकेटर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, देखिए 1.55 से गिरकर 1.13 हो गया है 2 दिनों के अंदर, तो ये एक अच्छा साइन है, जिसके चलते हुए स्टॉक यहाँ से अगर एक के नीचे आता है तो फिर बुलिश व्यू बन सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। और इन्होंने देखिए स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में एस गोल्ड पेट्रो 3.9 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पर इन्होंने इशू की है, जो कि 2 वेरियंट में अवेलेबल है। ये एक अच्छी प्रयास है इस स्टॉक में, यहाँ पे अगर आप हमारी पेड सर्विस चाहते हैं तो 5 हफ्ते में 1.32 लाख का प्रॉफिट हुआ है। पेड सर्विस के लिए आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। 4 वीडियो प्रस्तुत हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।